क्या आपके कान के छेद लंबे हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके ईयर लोब्स पतले हो गए हैं और यू आर नॉट एबल टू फ्लॉन्ट योर न्यू ईयर रिंग्स? तो यह वीडियो है आपके लिए। हम आपको बताते हैं कि कैसे हम आपके कान के शेप को आपके फेस के साथ में बैलेंस कर सकते हैं। I'm Dr. Sunish Goyal. I'm a board certified plastic and cosmetic surgeon. I'm practicing in Jaipur at Lavanya Laser and Plastic Surgery. एक बहुत common problem है कि Indian, especially in Indian females, कि उनके कान के छेद जहाँ वो ईयर रिंग्स पहनती हैं वो कान के छेद लंबे हो जाते हैं। Then what happens कि वो अपने मन माफिक ईयर रिंग्स नहीं पहन पाती हैं या अगर पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा लटके रहते हैं एंड दैट लुक्स वेरी अनएस्थेटिक। ऐसे कान के छेदों को दोबारा रिपेयर करके उनको पुराना शेप दे सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंस विद एज दैट योर ईयर लोब्यूल्स, आपके जो कान के लोब्स हैं या लोब्यूल्स हैं वो पतले हो गए हैं, ऐसे में वो आपके ईयर रिंग्स के वेट को बियर नहीं कर पाते। तो ये कान के छेद लंबे क्यों होते हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि इफ़ यू आर वियरिंग heavy earrings for a long time or especially if these earrings are dangling, dangling means जो लटकते रहते हैं, with movements ये कान के छेद को लंबा करते रहते हैं। If you are wearing your earrings in night time, then again there are chances of elongation or stretching of your ear lobes और आपके जो कान के छेद वो लंबे होने के काफ़ी ज़्यादा chances होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स में लंबे छेद होना काफ़ी कॉमन है। और इसके अलावा विद एज जब आपका जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो कोलेजन होता है, उसकी जब बॉडी में मात्रा कम होती है तब भी ये आपके स्ट्रेच्ड ईयर लोब्यूल कर सकता है। कुछ पेशेंट्स में ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, जिसे हम कॉमनली स्प्लिट ईयर लोब्यूल कहते हैं। ये कब होता है, जब आप किसी बच्चे को अपनी गोद में ले रखता हो और वो अचानक आपके ईयर रिंग्स को खींच दे, या इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर पैट्स देन इवन इट कैन हैपन, और इफ़ दैट ईयर रिंग्स एंटेंगल्ड इन समथिंग देन दिस कैन कॉज इंजरी टू योर ईयर और आपके ईयर रिब्यूल स्प्लिट हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको तुरंत रिपेयर की ज़रूरत होती है। उस कंडीशन में आप अपने ईयर रिंग्स को, अपने ईयर रिब्यूल को किसी भी साफ कपड़े से या साफ रुमाल से कवर करें और किसी पास में जो एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन है उसे संपर्क करें ताकि आपका ईयर लिब्यूल का शेप दोबारा मिल सके। ईयर लिब्यूल रिपेयर कैसे किया जाता है, देयर आर टू मेथड्स। कुछ कहते हैं कि ईयर लिब्यूल सब ग्लू से भी हो सकता है, लेकिन बट वी प्रेफर सर्जिकल रिपेयर ऑफ योर ईयर लिब्यूल्स। इट इज़ अ वॉक इन प्रोसीजर, आप आए कराके तुरंत जा सकते हैं। बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीजिया दिया जाता है जहाँ सबसे पहले आपके साइट को मार्क किया जाता है, मार्किंग की जाती है। लोकल एनेस्थीजिया देने के बाद में जो आपके स्ट्रेच ईयर होल है उसका एक मार्जिन से कुछ टिश्यू निकाला जाता है, दैट इज़ डैमेज टिश्यू या जो अनहेल्दी टिश्यू है उसको निकाला जाता है। एंड आगे और पीछे दोनों साइड में फ्लैप बनाए जाते हैं और फ्लैप को आपस में स्टिच किया जाता है। और ये सुचरिंग या स्टिचेस जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत फाइन स्टिचेस होते हैं जो बाद में कोई भी स्कार नहीं छोड़ते। सर्जरी के बाद में आपके कानों को, आपके ईयर लोब्यूल्स को छोटी सी ड्रेसिंग दी जाती है जिसे आप अगले दिन हटा सकते हैं और एक कोई भी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट दे के अपने कानों को खुला छोड़ सकते हैं, शॉवर ले सकते हैं। करीब 7 से 10 दिन पर ये स्टिचेस निकाले जाते हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा स्कार विजिबल होता है, लेकिन इफ़ इट इज़ डन बाय एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटिक सर्जन तो कुछ महीनों बाद में ये स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल रहता है। जहाँ तक रीपियर्सिंग या कानों में ईयर रिंग्स पहनने का सवाल है, हम लोग कुछ टाइम तक, फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स वी डोंट अलाउ टू वियर एनी ईयर रिंग्स। आफ्टर 3 or 4 मंथ्स वी रीपियर्स योर ईयर लोब्यूल। After that, you can wear your earrings
एंड यू कैन फ्लॉन्ट योर ईयर रिंग्स आफ्टर दैट. इस ईयर लेवल रिपेयर के बाद में देर आर चांसेस कि आपके दोबारा कान के छेद लंबे हो सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए. एक तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ आपका रीपियर्सिंग की है वो एग्जैक्टली उस जगह ना हो जहाँ पे हमने आपकी इंसिजन लाइन दी है, यहाँ पे रिपेयर साइट है. वी मेक इट लिटिल बिट थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे पियर्स करते हैं, बट इट शुड बी सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड. दूसरा ये है कि जब आप ईयर रिंग्स का सिलेक्शन करते हैं तो डैंगलिंग ईयर रिंग्स कम पहने, और स्पेशली अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो केवल कुछ फंक्शन में कुछ टाइम के लिए पहने, और उसके बाद इन डैंगलिंग ईयर रिंग्स को उतार दें. रात को सोने से पहले ईयर रिंग्स जरूर उतारें, अपने कान को साफ रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें. और अगर आपके ईयर रिंग्स बहुत पतले हो गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि देयर आर सर्टेन डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आपके ईयर रिंग्स दोबारा स्ट्रेच ना हो. और कुछ केसेस में अगर आपके ईयर रिंग्स बहुत पतले हो गए हैं तो हम लोग फिलर्स भी यूज़ करते हैं. फिलर्स आपके ईयर रिंग्स को एक यंग लुक, यूथफुल लुक देते हैं, एंड एस्थेटिकली योर ईयर्स आर बेटर देन बिफोर. एक दूसरी टेक्निक जो ईयर रिव्यूल रिपेयर के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज यूजिंग ए ग्लू. बट द प्रॉब्लम विद ग्लू इज दैट द स्कार इज मोर व्हेन यू आर यूजिंग ए ग्लू. द रीज़न इज दैट कि जब ग्लू यूज़ किया जाता है तो आपकी केवल स्किन, ग्लू आपकी केवल स्किन को चिपकाता है, और जो स्किन के नीचे वाला टिश्यू होता है दैट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द इंसिजन लाइन. सो देयर इज अ चांसेस ऑफ ग्रूविंग एट योर इंसिजन साइट, सो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इन डिफरेंट एंगल्स, सो दैट दिस स्कार बिकम्स मोर विजिबल. सो यूजुअली वी डोंट प्रिफर रिपेयर ऑफ योर ईयर लिब्यूल विद द ग्लू. वी ऑलवेज प्रिफर सुचरिंग, प्रॉपर सुचरिंग, सो दैट वी कैन गिव बेस्ट रिजल्ट टू यू. ईयर लिब्यूल रिपेयर को हम आपके चेहरे के या आपके फेस के दूसरे कॉस्मेटिक प्रोसीजर के साथ में भी कंबाइन कर सकते हैं. लाइक वी कैन गिव सम बोटॉक्स और फिलर्स व्हेन यू आर कमिंग फॉर ए ईयर लिब्यूल रिपेयर, और इवन सम स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक इफ यू आर हैविंग सम वॉर्ड्स और मोल्स ऑन योर फेस दैट वी कैन रिमूव देम बाय लेज़र. सो ईयर लेवल रिपेयर इज ए यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोसीजर. इट्स ए लंच टाइम प्रोसीजर, यू कैन जस्ट गेट इट इन जस्ट हाफ एन आवर और वन आवर, एंड इट्स ए मिनिमल इन्वेसिव एंड इट्स ए पेन लेस प्रोसीजर. सो इफ यू आर यू वॉन्ट टू फ्लॉन्ट योर ईयर रिंग्स देन डेफिनेटली यू शुड हैव अ गुड ईयर लेबल विच कैन टेक द वेट ऑफ योर ईयर रिंग्स. एंजॉय.